बिलासपुर का सरकंडा थाना आया एक बार फिर सुर्खियों में है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में पैदल जा रहे युवक को आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने टंगिया चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायल युवक को दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया तो वहीं हमला करने वाले लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जिसकी सूचना थाना सरकंडा में दी गई और जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो आपको एक खबर बता रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर सरकंडा थाना आए एक युवक को आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने टंगिया चाकू से वार कर घायल कर दिया और सरकंडा थाना जो है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। साथ ही आपको बता दें कि घायल युवक को दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि हमला करने वाले लोग वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए और जिसकी सूचना सरकंडा थाने में दी गई है, तो वहीं जिसके बाद मामले की जांच में अब पुलिस जुट चुकी है। भाई ये लोग थाना अशोक नगर रहता है, तो वो ऐसे रास्ते पे जा रहा था, एक पिकअप वाला आया, तो पिकअप वाला कीचड़ मारते हुए ऊपर गया, वो कीचड़ वाले को फिर वो गाड़ी वाले को बोला कि भाई आराम से चला, कीचड़ से क्यों चला रहा है करके, फिर ऐसे ही बहस हुआ तुतु मैं, फिर वो पिकअप वाला आदमी जो वही मुरुखदान का निवासी है वो अपने घर गया, फिर वहाँ से अपने सात आठ साथी के साथ आया, वहाँ से टंगिया चाकू तलवार लेके और फिर हमारा जो मित्र है उसके ऊपर वो हमला करने लगा, जिससे गले में मारने के इरादे से चाकू अड़ाया, वो चाकू मारा उसका और साथ में टंगिया से सर पे वार।